अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं ओट्स का चीला। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। देखिए, हमने एक कटोरी भर के हमने ओट्स ले लिया है। इसको हम ड्राई कर लेते हैं इसमें फ्राई पैन में। इसको अच्छे से हम रोस्ट कर लेते हैं। देखिए, हमने इसको गर्म कर लिया अच्छे से, और हम बहुत तेज़ आँच नहीं करेंगे इसको। हम अच्छे से थोड़ा सा भून लेते हैं ये, ताकि ये कुरकुरा सा हो जाए, ताकि इसको जब हम पाउडर तैयार करें ना, तो ये बहुत अच्छा सा ये फाइन पाउडर बन के तैयार हो जाए। तो इसे हम 2-3 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं इसको हमें इतना ही रोस्ट करना। इसको हमने 2 मिनट के लिए सिर्फ रोस्ट किया है। देखिए, इस तरीके से हो गया है। इसको हम एक प्लेट में निकाल के इसको ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम पाउडर इसका तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको हमने पाउडर बना लिया है। देखिए कितना बारीक सा ये मिक्सी के जार में हमने इसको डाल के अच्छे से इसका हमने एक पाउडर तैयार कर लिया है। और देखिए इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं। देखिए, एक हमने छोटी साइज़ की प्याज इस तरीके से बारीक काट लिया है। 2 हरी मिर्च है और हरा धनिया ये हमने थोड़ा सा कट कर लिया है। ये एक गाजर है, इसको हमने कद्दूकस कर लिया है। और आपको जो भी सब्जियों की ज़रूरत है, आप इसमें शिमला मिर्च वगैरह कोई भी सब्ज़ी अपने मनपसंद का इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरी बेटी नहीं खाती बाकी सब्जी, तो हमने इसमें नहीं डाला है, सिर्फ हमने गाजर इसमें डाला है। वो भी कद्दूकस बहुत बारीक सा कर दिया कि उसको पता ना चले। इन सब चीज़ों को जो है एक बाउल में हम जो है निकाल लेंगे इस तरीके से। बाउल में निकालने के बाद जो है हमें जितना हमें ओट्स का चीला बनाना है इसको हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं। देखिए, इसमें हम 4 चम्मच हमने ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं। इसमें हम नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप देख सकते हैं इसमें हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल कर दिया है। देखिए, इसको हम कलर के लिए इसमें हल्दी शामिल कर, इसको अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। और इसमें आप अगर ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए। मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसमें हम पानी ऐड करेंगे। देखिए, इस तरीके से जो है हम ज़्यादा पानी नहीं इकट्ठा डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें हम ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं, देखिए इस तरीके से ये होना चाहिए। बहुत पतला नहीं होना चाहिए, बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल। हमने इसमें आधा गिलास पानी ऐड करा है। इस गिलास से नाप के हमने पानी लिया था, आधा गिलास पानी पूरा लग गया है। ये देखिए, इस तरीके से हो गए। इसको हम 2 से 4 मिनट के लिए ढक के अच्छे से रख देते हैं, ताकि ये फूल जाए, सब सारे मसाले वगैरह सब इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसका हम चीला बनाते हैं। बाकी जो आपका ओट्स बचा हुआ है उसको आप किसी भी डब्बे में बंद करके अच्छे से रख दीजिए, उसमें हवा ना जाए, वरना वो गीला हो जाएगा। उसको आप स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा दिन के लिए आप उसको स्टोर कर सकते हैं। इसको अब हम ढक के रख दे रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा जो है पेस्ट टू बैटर हो गया है। देखिए, इस तरीके से हो चुका है, ये अच्छे से फूल गए हैं। अब इसको हम बनाते हैं। देखिए, एक हमने पैन रख दिया है, इसमें हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, क्योंकि मेरी बेटी जो है डाइट पे इस समय है, तो मैं इसके लिए ये चीला मैं बना रही हूँ। तो इसमें मैं ऑयल नहीं डाल रही हूँ, इसमें मैं देसी घी डाल रही हूँ। अगर आप डाइट करते हैं तो आप देसी घी में ही बनाइए, ऑयल ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि ऑयल नुकसान करता है। अगर आप ऐसे खाना पसंद करते हैं तो आप किसी भी ऑयल में बना सकते हैं। तो हम अपना बैटर को उठा के इसमें डालते हैं। देख सकते हैं आप, इस तरीके से अच्छे से इसको फैला लेना है हमें। और इसको हमें धीमी आंच पे जो है इसको अच्छे से पका लेना है, ताकि ऊपर नीचे अच्छे से ये पक जाए, अंदर तक भी पक जाए, सब्जियां भी हमारी अच्छे से पक सकें। देखिए, इस तरीके से जो है ये पक रहा है। इसको पलटने से पहले इसमें थोड़ा सा घी जो है वो ऊपर लगा दीजिए, ताकि जब पलटो तो ये अच्छे से नीचे भी पक सके, अच्छे से सिक जाए। देखिए, ये 1 मिनट हो गया है, इसको हम पलट देते हैं। ये आप देख सकते हैं, 1 मिनट के बाद इसको हमने पलट दिया, इस तरीके से हो गया है। हमें पीछे भी पलट के इसको अच्छे से पका लेना है। आप देख सकते हैं मेरा चीला दोनों तरफ से, ये करीब 5 से 6 मिनट लग गया दोनों तरफ से, अच्छे से इसको गोल्डन होने में। देख सकते हैं इस तरीके से हो गया, बहुत अच्छे से ये पक चुका है। अब हम गैस को करते हैं बंद, इसको हम प्लेट में निकालते हैं। देखिए, इसको हमने प्लेट में निकाल लिया। इसमें हमने रखा है हरा धनिया। आप अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो आप हरे धनिया की चटनी से खाइए,
और बाकी जो केचप वगैरह है या लाल चटनी है इसे मत खाइए, क्योंकि आपको वेट लॉस करना है तो ये हरी चटनी जो है धनिया वगैरह बहुत आपको फ़ायदा करेगा। अगर आप ऐसे ही खाना पसंद करते हैं चीले को, तो आप किसी भी चीज़ से आप खा सकते हैं। देखिए हमारा चीला बनके तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छा बहुत ही हेल्दी नाश्ता ये बनके तैयार हुआ है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए। अगर आप डाइट में हैं तो इसको अपने डाइट में ज़रूर शामिल करिए, सुबह के नाश्ते के लिए, लंच के लिए बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी आपका वेट कम करेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और कमेंट में बताइए कि आपने चीला बनाया तो कैसा बना है। मिलते हैं अगली रेसिपी में, अल्लाह हाफिज़, बाय।